नमस्कार दोस्तों, आप हमारी वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम रेलवे की वेबसाइट पे, आधिकारिक वेबसाइट पे, और वहाँ से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे किस तरीके से आप लोग अपना जो सीबीटी शहर का स्लिप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अगर सिटी शहर की स्लिप निकालना है, इस पर क्लिक करना है। उससे आप लोगों के लिए नई विंडो खुलेगी। उस विंडो में आप लोगों को क्या करना है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो आपकी वो जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। उसके बाद आप लोगों का सीबीटी का लिंक खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों दूसरी में मिलेगा सीबीटी के हेल्प डेस्क लिंक के लिए। यहाँ क्लिक करें, सीबीटी का जो हेल्प डेस्क है उसके लिए आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सारी क्वेरीज प्रत्यक्ष लॉगिन यहाँ से आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को अपना जो रिजर्वेशन का टिकट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। और आगे आप देखिए, इसमें सीबीटी मॉक टेस्ट है, इसमें मॉक टेस्ट का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे डालने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट चालू हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप लोग जिस भाषा में देखना चाहेंगे उस भाषा में यहाँ से मिल जाएगा। जैसे इंग्लिश में है, हिंदी में है, जिसमें भी आप इंग्लिश में, अभी ये असम में है तो ये इंग्लिश में आप लोगों का हो जाता है, ये हिंदी में आप लोगों का हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और आगे चलने के बाद हम अगला है सीबीटी विस्तृत आवेदन पंजीकरण संख्या। अगर आप लोगों की पंजीकरण संख्या आप भूल चुके हैं, फॉरगेट हो चुके हैं, तो आप ये चीज़ें सेलेक्ट करके अपनी पंजीकृत संख्या निकाल सकते हैं। जैसे रेलवे का स्टेट जहाँ से आप लोगों ने फॉर्म भरा है, उसके बाद नेम और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर या आधार नंबर, ये चीज़ें डाल के आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसमें पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।